के बेटे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने बेबाकी से पार्टी के कुछ नेताओं पर सवाल खड़ा कर दिया। शास्त्री ने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर दूर से आए जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता पदाधिकारी से मिलते नहीं और यह किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं। अगर पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलने लगे तो आधी लड़ाई ऐसे ही खत्म हो जाएगी। संसद का आगामी मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चल सकता है। कोरोना संकट के बीच होने वाले सत्र में उचित दूरी सुनिश्चित करने को दोनों सदनों की अलग अलग बैठकों और बड़े डिस्प्ले वाली स्क्रीन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा चुकी है। कुल 18 बैठकें होंगी और दोनों सदनों की कार्यवाही शनिवार और रविवार को भी होगी। तो उधर महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून अधिवेशन 7 और 8 सितंबर को होगा। विधान परिषद सभापति रामराजे नाइक निंबालकर व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी संकट के चलते इस वर्ष जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने मुस्लिम बंधुओं से अपील की है कि वो मुहर्रम घर पर ही मनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में रोग प्रतिबंधात्मक कानून और आपत्ति प्रतिबंधक अधिनियम लागू है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी है, इसीलिए सार्वजनिक मातम जुलूस नहीं निकाले। निजी तौर पर भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए घरों में आयोजन करें। ताजिया घर में या घर के सामने ही स्थापित कर वही विसर्जित करें। सबील छबील बांधने के लिए प्रशासन की अनुमति ले। उन्होंने अपील की है कि महामारी को रोकने के लिए उससे बचने के लिए प्रशासन को सहयोग करें। सिटी में बन रहे मेट्रो मॉडल देश के कई राज्यों के लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है। देश में कई प्रयोग पहली बार नागपुर मेट्रो के लिए किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विजन भी काफी लंबा है और काफी आगे देखकर नई नई तकनीकी और सुविधा विकसित की जा रही है। मंडी सेस के विरोध में चेंबर ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कमेटी के चेयरमैन मोहन गुरना ने अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल के आह्वान पर मंगलवार को एपीएमसी मार्केट यार्ड पूर्णतः बंद रहा। केंद्र सरकार अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन तैयार करेगी। योजना पर सचिवों के समूह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइन के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। कई राज्यों में भी बड़ी कक्षाओं वाले स्कूल खोलने की योजना बन रही है। प्रभारी सह पुलिस आयुक्त नीलेश भरने के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पुलिस आयुक्तालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके चलते 31 अगस्त तक पुलिस आयुक्तालय को बंद रखा गया। इस दौरान विजिटर्स के आगमन पर बंदी रहेगी। अत्यधिक आवश्यक कार्य होने पर सुबह 11 से 5 बजे के दरमियान कार्यालय में भेंट दी जा सकती है। जिलों के लिए एसटी बस सेवा की शुरुआत के साथ ही कुछ जिलों ने नए नियम बना लिए। चंद्रपुर वर्धा गढ़चिरौली जाने वाले यात्रियों को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी वजह से चंद्रपुर वर्धा गढ़चिरौली का टिकट लेने वाले यात्रियों का पूरा ब्यौरा बस कंडक्टर लेता है। कोराड़ी के ओमनगर की 4 मौतों के पहले अभी तक नहीं सुलझ पाई। 18 अगस्त को एक ही घर के 4 शव बरामद हुए थे। पति धीरज राणे, ध्रुव बेटा, बेटी वान्या का शव एक कमरे में बेड पर मिला था तो दूसरे कमरे से डॉक्टर पत्नी सुषमा राणे का शव फांसी पर लटका बरामद किया गया था। पति के प्रेम प्रसंग के मामले को जोड़कर पुलिस जांच की कड़ी आगे बढ़ रही है। कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस ने कुछ महिलाओं को तलब किया है। दर्जन भर से अधिक महिलाओं की पूछताछ हो चुकी है। वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक ही दिन में 4 किशोरियां लापता हो गई। इसमें से 2 मिल गई है। वाड़ी की 2 सहेलियां क्रमशः 15 व उम्र 16 वर्ष की सोमवार की दोपहर 3 बजे से घर से निकली थी। देर रात तक घर नहीं लौटी। वाड़ी पुलिस के पास माता पिता ने शिकायत की। मंगलवार को पास संदिग्धों से पूछताछ हुई है। जानकारी मिलने पर साईनगर वाड़ी निवासी प्रवीण बलवंत जनबंधु के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।